हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पूसा क्लासेस। दिस इज योर सर आदित्य वाधवा। और जस्ट अभी दो घंटे पहले आज 7 जुलाई का दिन है, सीबीएसई का भी अपडेट आया है जिसने कई बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट ले आया है। क्या चीज, आपका सिलेबस काट दिया गया है। कितना कटा है, कैसे कटा है, उसके ऊपर डिटेल में मैं बताऊंगा। काफी बच्चों को कंफ्यूजन है, बहुतों के मैसेजेस आए हैं। बट क्या ये सिलेबस कटना अच्छी बात है या बुरी बात है? देखो मैं कहूंगा मेरे हिसाब से बुरी बात है। यहाँ पर जो चीजें कटी हैं काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप लाइफ में वो अभी नहीं सीखोगे तो पता नहीं कब सीखोगे। एंड कोरोना वायरस वी नो बहुत बेकार साल जा रहा है हमारा, बट इसको पॉजिटिव नजरों से देखो, ऑप्टिमिस्टिक नजरों से देखो तो ये सीखने का साल है हमारे पास। अब यहाँ पर हुआ क्या है, हमारा एक्सीडेंट हुआ, टांगों पे चोट आई, अब हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट है। डॉक्टर बाहर आया, सीबीएसई बाहर आई, सीबीएसई बाहर आके कहती है, डॉक्टर बाहर आके कहते हैं मुबारक हो एक टांग बच गई। तो यहाँ पर खुश होने की बात है या बुरा मानने की बात है, टू ईच इट्स ओन, यहाँ पर जिसको जैसा सही लगे। बट मैं आपको सच बताऊं यहाँ पर तो हमारे पास जो सिलेबस कटा है वो गलत हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि ना तो इन्होंने ज्यादा सिलेबस काटा कुछ कॉन्क्रीट और ना ही हमारे लिए कुछ छोड़ा। सो लेट सी, यहाँ पर ये रहा सिलेबस आपके पास, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी पीडीएफ अपलोडेड है, जिन बच्चों को अभी तक नहीं मिला वो वहां से देख सकते हैं। अब यहाँ पर पार्ट ए क्लास 12th का सिलेबस, पार्ट ए आपका कौन सा, जिसके अंदर आपका एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग करते हैं, साथ में हम लोग पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करते हैं। 5 मिनट से ऊपर की वीडियो नहीं होगी, फटाफट से बता देता हूँ। तो ये पार्ट ए जस्ट मेंशन करा हुआ है, पार्ट ए में क्या क्या कटा है वो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को यहाँ पर नीचे दी गई है। तो यहाँ पर एनपीओ चैप्टर में कुछ नहीं कटा। बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं सर एनपीओ यहाँ मेंशन है, क्या एनपीओ में कुछ कटा है? एनपीओ में कुछ नहीं कटा, पूरा फुल फ्लेज्ड एनपीओ आपको करना ही करना है। देन आगे देखते हैं पार्ट ए में कटा क्या क्या है। नीचे हमारे पास टॉपिक्स हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हमारी कैपिटल एडजस्टमेंट्स कट गई। तो हमारे पास कैपिटल एडजस्टमेंट, मैं लिखता रहूंगा साथ साथ कितनी क्लासेस के टॉपिक थे ये। तो जो कैपिटल एडजस्टमेंट्स है हमारे पास, ये मैक्स टू मैक्स थ्री क्लासेस के हमारे पास टॉपिक्स थे। ये जा चुका है हमारे पास से, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। बैलेंस शीट के ऊपर दुनिया जहान के जोक्स आते थे, जितने मीम्स आते थे, जोक्स आते थे, अकाउंट्स के सारे क्या आते थे, हे प्रभु, हे भगवान, हे अल्लाह, हे ईश्वर, हे रब, हमारी बैलेंस शीट मैच करवा दो और कुछ नहीं चाहते हम लोग दुनिया में। तो यही कट गई आपके यहाँ पर एडमिशन में। बट डोंट वरी, ये बैलेंस शीट कहीं ना कहीं किसी और चैप्टर में कवर हो जाएगी। मैक्सिमम थ्री क्लासेस का कोर्स गया यहाँ पर। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, इस चैप्टर की तो डेथ ही कर दी है यहाँ पर। कैपिटल एडजस्टमेंट अगेन चली गई यहाँ पर। फिर ये कैपिटल एडजस्टमेंट जो रिटायरमेंट में गई है, रिटायरमेंट में लगभग 4 क्लासेस की होती थी, वहां पर हमारे पास एक आधी एडजस्टमेंट ज्यादा होती थी, तो ये चली गई। प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट एंड ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, ये हमारे पास लोन अकाउंट जो टॉपिक है, ये हमारे पास 1 क्लास का टॉपिक है। प्लीज इस चीज का ध्यान देना, आपके कितने आर्ट्स का कम आपको पढ़ना है यहाँ पर। फिर प्रिपरेशन ऑफ डिजीज्ड पार्टनर, डिजीज्ड पार्टनर कौन होता है, जिसकी डेथ हो जाती है, उसके कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना और उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट नहीं बनाना। तो भाई साहब डेथ में बचा क्या, आपने डेथ चैप्टर की तो डेथ ही कर दी, सीबीएसई ने यहाँ पर डेथ चैप्टर की डेथ कर दी। तो ये जो आपका डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और एग्जीक्यूटर अकाउंट था, ये भी मैक्सिमम आपका 3 क्लासेस तक जाता था, ये भी आपका 3 क्लासेस तक जाता था। डिजीज पार्टनर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेट सी आगे देखते हैं हम लोग। आगे हमारे पास जो अगला यूनिट आ जाता है, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, वहां पर एक चैप्टर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स काट दिया गया। बट घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लाइफ में दोबारा कब सीखोगे, कॉमर्स में यदि कोई भी चीज करते हो आगे जाके, बीकॉम, बीबीएससी, एसीएस, कुछ भी करोगे, ये डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, कहीं ना कहीं टकर जाएगा, तो आप वहां पर ये सीख सकते हो। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये जो चैप्टर था, इसके अंदर 2 मेथड्स होते थे हमारे, लमसम और ड्रॉ ऑफ लॉट्स। लमसम होता था पूरा पैसा एक साथ, ड्रॉ ऑफ लॉट्स होता था थोड़ा थोड़ा पैसा एक साथ रिडीम करना। तो यहाँ पर ये चैप्टर भी हमारे पास ऑलमोस्ट जा चुका है, तो ये भी हमारे पास 3 क्लासेस का चैप्टर है यहाँ पर। तो अगर आप टोटल में देखोगे तो टोटल में आपके पास कितनी क्लासेस हो गई यहाँ पर जो कटी हैं, 3, 4, 7, 7 और 1, 8, 8, 3, 11, 11, 3, 14, 14 क्लासेस का आपका कोर्स यहाँ पर कम हो चुका है, कम कर दिया गया है। प्रोजेक्ट वर्क में भी चेंजेस आए हैं, प्रोजेक्ट वर्क के चेंजेस आपको आपके स्कूल टीचर्स बताएंगे, बट जो ये कोर्स हमारा कटा है, कोई मेजर कोर्स नहीं कटा। अब आप लोग एक प्लीज साइकोलॉजिकल फैक्ट समझना यहाँ पर, साइकी क्या कहती है। हम लोग लगभग 11 मंथ्स ट्यूशन पढ़ते हैं या फिर क्लासेस लेते हैं, स्कूल की भी, ऑनलाइन भी, कोचिंग सेंटर्स में भी, और आपकी लगभग MWF या TTS महीने में 12 क्लासेस होती हैं, और आपकी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती हैं। तो यहाँ पर मैं ये 132 क्लासेस तो नॉर्मल ले लेता हूँ, जो आपकी नॉर्मल क्लासेस होती हैं, ठीक। इसके बाद अगर हम इसमें एड ऑन कर लें, आपकी 10 से 12 या 15 आपकी जो है एक्स्ट्रा क्लासेस रहती हैं, तो मैं 10 क्लासेस ले लेता हूँ यहाँ पर।
दैट मींस आप लोग पूरे साल भर में लेते थे 144 क्लासेस अपार्ट फ्रॉम दी टेस्ट, टेस्ट आपके अलग से होते थे। 142 में से आपकी 14 क्लासेस काट दी गई हैं यहाँ पर, 14 क्लासेस, तो लगभग लगभग 10% जो आपका कोर्स कटा है वो आपका 10% कोर्स कटा है, और यहाँ पर आपकी 128 क्लासेस अभी भी बच जाती हैं। तो जो कोर्स में रिडक्शन हुई है वो 10% की रिडक्शन हुई है अगर आपका ये 100% कोर्स था। तो जो क्लेम्स आ रहे हैं न्यूज में कि सीबीएसई ने 30% कोर्स कम कर दिया, उनको बोलो भैया अकाउंट्स का तो आपने 30% कम नहीं किया, अकाउंट्स में हमने सिर्फ और सिर्फ 10% कम करा है। क्या इससे आपको कुछ फर्क पड़ना चाहिए? कोई फर्क नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जाने अनजाने में हम लोग जब पास्ट ईयर पेपर्स करेंगे, डिस्कशंस करेंगे, कहीं ना कहीं ये कटा हुआ कोर्स भी हम लोग कवर कर लेंगे, आई थिंक सो। और जो भी बच्चे अकाउंट्स पढ़ना चाहते हैं, दिल से सीखना चाहते हैं, लाइफ में आगे पढ़ना चाहते हैं, उन लोगों को तो, उन बच्चों को तो सारा कवर अप करना चाहिए, चाहे एग्जाम्स में आए चाहे ना आए। तो यहाँ पर छोटी सी ये डिस्क्रिप्शन थी, छोटी सी ये डिटेलिंग थी। आई होप आपको समझ में आ गया क्या क्या कटा और क्या क्या रहता है। तो हमारे पास एडमिशन चैप्टर में कैपिटल एडजस्टमेंट गई, रिटायरमेंट में कैपिटल एडजस्टमेंट गई, डिसीज पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर वाले चैप्टर में हमारे पास डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट गया, एग्जीक्यूटर अकाउंट गया। एग्जीक्यूटर होता था जिसकी डेथ हो जाती थी पार्टनर की, उसके बिहाफ पर जो डील करता था, तो वो गया हमारे पास। देन हमारे पास कंपनीज अकाउंटिंग में, यहाँ पर हमारे पास अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स में रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर ऑलमोस्ट चला गया, ड्रॉ ऑफ लॉट्स और वहां पर लमसम मेथड। तो हमारे 14 क्लासेस का कंटेंट कटा है, तो ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, वापस से वहीं आ जाओ, टांग जो टूटी है उसका दुख मनाओ। यहाँ पर ये कोर्स जो आपको नहीं मिल रहा है करने को, इसका दुख होना चाहिए आपको रादर देन की खुशी हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ये जो पीडीएफ है यहाँ पर, जो नोटिफिकेशन आई है, ये नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, हम लोग साल भर पढ़ते रहेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे सारा कोर्स। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।